हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू आर गुड। मैं यूनुस सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अपना 27 डेज का जो कंप्लीट डिवीजन वाला है प्लान, वो स्टार्ट हो चुका है। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, वो न्यू चैप्टर है 8, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो अपन स्टार्ट करें, इससे पहले दो क्वेश्चन थे जो कि बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने दो क्वेश्चन में बताए थे। तो एक बार मैं हल्का सा आपको उनको देख लेते अपन। एक क्वेश्चन है 7.1 का, 7.1 का एक 9 क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो ये 9 क्वेश्चन है 7.1 का। देखो बच्चों, जिसको भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया ना, तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम बुक वालों की है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत छाप दिया उसके अंदर, बुक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस। जब आप यहाँ पर प्लस लगाओगे ना, तब आपका क्वेश्चन ये अच्छे से सोल्व हो जाएगा। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेना, एलसीएम से फिर यहाँ पे कोस से दोनों, ये दोनों के साथ एलसीएम आएंगे। फिर उसके बाद में आप ये करते हैं, ये ऊपर वाले से जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा पूरे पे। फिर आप जब इसको सोल्व करोगे ना, फिर हो जाएगा। अब एक बार आप ट्राई करना ऐसे प्लस लगाएंगे, ठीक है? फिर भी नहीं हो रहा तो आप मुझे बताना, बता दूंगा, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी। तो बता रहा है कि यदि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल, आपको दे रखा है p, तो आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। क्या प्रूव करना था स्टूडेंट? करना था p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। कुछ ही नहीं है, p की वैल्यू दे रखी है आपको, p की वैल्यू सपोर्ट करो और आपको लेकर आना है, करे सो। चलो प्यूज, बहुत ही सिंपल है। अपन को ये प्रूव करना है तो अपन को सिद्ध करना है, तो कोई सी एक साइड लेनी पड़ेगी अपन को, ले ले। तो चलो ये वाली साइड ले लेते अपन। तो एलएचएस ले लेते अपन। एलएचएस इक्वल क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो पी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो चलो रख देते हैं, पी की वैल्यू रख देते हैं, यहां पर रख दूं मैं। चलो sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर है ना पूरे पे, चलो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 1 अपॉन वापिस पी की वैल्यू लगा देते अपन sec थीटा। ये दे रखी है अपन को क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन को यूज करना जरूरी है, तभी अपना क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज अपना क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। चलो अभी एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a क्या होता है, इधर लिख देता हूं। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं, पाइथागोरस का फार्मूला आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखाया था ना, इसको इस फॉर्म में देते हैं। यहाँ पे a क्या है sec थीटा, b क्या है tan थीटा। तो जहां पे भी a आ रहा है वहां पे sec थीटा लिख दो, जहां पे भी b भी आ रहा है वहां पे tan थीटा लिख दो। तो लिखते हैं, चलो लिखते हैं। तो sec, तो पहले a का स्क्वायर लेंगे sec थीटा का स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका भी स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज आएगा ना। चलो यहाँ पे माइनस 1 भी है, माइनस 1 भी देते अपन, ऐसे नीचे वाला sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है? तो जो यहाँ पर अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपके दिमाग में फिट है, तो आप उनको कर लोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो आपको कॉम्बिनेशन बनाना कि कोई आइडेंटिटी बन रही है कि ना, देखो ऊपर वाले से देखो इसमें तो कोई आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी थी, एफ थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक थी आपके 1 प्लस चलो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल कितना था sec स्क्वायर थीटा, और एक थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन हो ना आपको, मेन तो तीन ही है, यही है तीन, बाकी आप तो ट्रांसफर करके वो कर लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होना, तो देखना c और c वाले हमेशा साथ आएंगे, तो c cot है और cosec है, ये दोनों साथ आएंगे, ये तो सिंपल याद है ही है, और ये cot और cosec है, पता नहीं चले तो देखना सी सी वाले साथ में आएंगे, ठीक है? बाकी बच्चे को टेन और से ये दोनों साथ में आएंगे, सिंपल। देखो तो करें, चलिए देखते हैं अपन।
तो कुछ आइडेंटिटी बन रही के ऊपर वाले में देखो, बन रही के टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन आ तो सही नहीं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस वन अगर साथ में कर ले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर साथ में कर ले, चलो एक स्टेप कर देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं इधर साथ में लिख सकता हूं ना, चलो साथ में लिख दिया, प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे देखो इसमें कोई आइडेंटिटी बन रही है साथ में, देखो ये बनी ले, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसी तरह आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा वाले से ना, तो लिख लू मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन है ना, इसी तरह आप क्या लिख सकते हो बच्चों sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा, चलो ये sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाले टर्म देखो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये प्लस वन अगर उधर चला जाता है, ये प्लस वन अगर उधर ट्रांसफर कर दे क्या हो जाएगा, यहां पर देखो अगर वन को उधर में ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह आप क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना अपन, तो चलो इसकी जगह क्या लिखते हैं अपन टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो इधर भी टेन स्क्वायर थीटा, अब देखो अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि भाई आपको एक एक स्टेप समझाई जाए, मैं क्या करूंगा आपको कुछ आपको थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, आपको इस जो स्टेप उसको थोड़ा आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है चलेगा। चलो अगर अपने पास पूरा साल होता ना, देखिए मानो आपको इतनी अच्छे से मैथ करवाता ना, अपन टारगेट लेकर चलते हैं 100 में से 100 अभी भी ला सकते हो अगर आप अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करो। तो अभी मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास ही नहीं आपके पास, अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए अपन को अपन एक एक स्टेप नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से नहीं जा सकते हैं, अपन को स्टेप को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। कैसे देखो यहाँ पर तो अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना, ठीक है। देखो अब मैं लिखूंगा नहीं हर चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ये टेन स्क्वायर थीटा और इधर देखो इसको मैं लिख देता हूँ टू sec थीटा tan थीटा, अब देखो लास्ट में और यहां पर प्लस आएगा, सॉरी जब प्लस लगा रखा अपन ने ना प्लस बीच में, तो देखो लास्ट में tan स्क्वायर थीटा और है, लास्ट में tan स्क्वायर थीटा और स्टार्टिंग में भी tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है जब दो सेम टर्म हो, जब आप उनको दोनों को बीच में प्लस होता क्या हो जाता है एड हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हम स्पेशल इसका टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ऐसे देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टू sec स्क्वायर थीटा, टू sec स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा और tan थीटा, देखो जो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर में, क्या कॉमन आ रहा है देखो, क्या कॉमन आ रहा है इधर लिख लो मैं, चलो इधर लिख रहा हूं, ऊपर कॉमन आ रहा है टू और ब्रैकेट में क्या आ रहा है अगर और भी कॉमन आ रहा है देखो, और क्या कॉमन है इधर भी टेन है इधर भी टेन है, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भी टेन है इसमें भी टेन है, तो टेन और कॉमन है तो ले लेते चलो टू टेन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों sec टेन स्क्वायर में से टेन थीटा दिया तो क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा ना, तो ये टेन थीटा लिख दिया मैंने प्लस टू तो मैंने बाहर ले लिया, अब ये टेन थीटा ये भी हट जाएगा तो क्या बचेगा sec थीटा, ये sec थीटा, ठीक है। बट यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो sec थीटा कॉमन आ रहा है तो टू भी कॉमन आ रहा है टू sec थीटा, और अंदर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर में sec थीटा को कट किया था क्या बचा एक sec बचेगा, दो sec में से एक sec किया था क्या बचा एक sec, वो खाने वाला पीने वाला sec नहीं है, ठीक है। और टू टू तो बाहर आ जाएगा sec थीटा, ये भी बाहर आ जाएगा क्या बचेगा tan थीटा, देखो ठीक है। अब देखो जब कुछ भी नहीं हो रहा ना कि आपको आ ही नहीं रहा समझ में कि क्या करो, कुछ ही मत करो आप कॉमन लेते चलो एलसीएम लेते चलो साइन कोस में चेंज करते चलो आ जाएगा, और नहीं भी आया ना तो लास्ट में क्या करना हम लोग जो आपसे पूछ रखा है अभी बताऊंगा आपको ट्रिक बताऊंगा, देखो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना फिर भी एग्जाम में कैसे तो करेंगे, देखो टू से टू कैंसिल कर लो कर सकते ना, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, यहां से देखो इसमें मेरे स्टैंड का पीछा क्या है तो सेम है ना, आगे भी लिख सकता हूँ तो सेम हो जाएगी, और बता दे ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो तो अपन क्या कर सकते हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं,
पर ध्यान रखना यहाँ पे बीच में मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ ऐसे निकल प्लस होता था पढ़ते नहीं, यहाँ तो मल्टीपल है ना तो आप कर सकते हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया भी। तो क्या बचा टेन थीटा बटा सेक थीटा, लेकिन अपन को चाहिए क्या, अपन को साइन की फॉर्म में चाहिए, टेन थीटा सेक थीटा चाहिए, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, टेन और सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और टेन थीटा का मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, एक रिलेशन बताया था, टेन इक्वल टू साइन थीटा को भाग दे दो किसमें, कोस थीटा में, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना। एक और अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा कौन होगा, कोस थीटा होगा। तो क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा वन अपॉन कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इधर ऊपर है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन सेक थीटा, क्या लिख सकते हो वन अपॉन कोस थीटा। देखो अब ऐसा जाता है, ऊपर भी अपॉन वाली टर्म आ जाती है, नीचे भी अपॉन वाली टर्म आ जाती है, तो अपन क्या करें, ऊपर वाले से ऊपर वाले कट कर सकते हैं और अपॉन में अपॉन वाले कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बटे वाली और यहाँ बटे वाली दोनों सेम है ना, तो क्या अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, यस वी कैन नाउ। तो क्या बचा आपने, ऊपर तो क्या बचा साइन थीटा और अपॉन में क्या बच रहा है बच्चों, वन बच रहा है ना, तो क्या वन लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं जब अपॉन में हूं, लेकिन ऊपर हो तो लिखना जरूरी होता है, बट अपॉन में है तो कोई जरूरी नहीं। तो क्या है अपना साइन था, क्या अपन को यही चाहिए था क्या, यस यही चाहिए था, तो अपना हो गया ना एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आपको एग्जाम में हो सकता है आपको आई नहीं रहा, सारे पेपर अपना दे साइन कोस वगैरह एलसीएम कॉमन वगैरह से भी दे, अब फिर भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, क्या अपन लेकर बैठ जाए वहां पर रोने लग जाए वहां पर, नहीं ऐसा तो करना ही नहीं है, हार हिम्मत तो हारनी नहीं है, ध्यान रखना आपको क्या करना है वहां पर एग्जामिनर को पागल बनाना, बिल्कुल बेवकूफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, देखो जो मेन फोकस होता है ना चेक करने का, एक तो वो तो होता है ऊपर से कुछ स्टेप को चेक करना और नीचे लास्ट को स्टेप को चेक करना, ठीक, एक तो कोशिश करोगे पूरा सही करने का, फिर भी नहीं होता तो आप क्या करो, ऊपर से स्टार्ट करो, जितना चेंज कर सकते हो कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लास्ट में लाना है कि आपको साइन थीटा लिखाना, तो आप क्या करो कि उस साइन टर्म को कैसे करो, आप उसको चेंज कर दो, यानी नीचे थोड़ी सी स्टेप नीचे से करो और थोड़ी सी टर्म ऊपर से लगा और बीच में गसल गसल कर दो होते क्या है ना, तो कोशिश करनी लास्ट में ये जरूर ले देना पहले आए या नहीं आए, लास्ट में इक्वल टू कैसे ना कैसे कार पीट के ऐसे साइन थीटा जरूर देखा रहा लेकिन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा आप लोग पर, बाकी तो एग्जाम से पहले आपको दो तीन दिन पहले इतने शानदार शानदार टिप्स दूंगा आपको मैथमेटिक्स के अंदर, आप भी कहोगे वाह सर क्या बताया आपको, ठीक है, कैसे अपन वीडियो को बनाएंगे, चलें आ गया, तो जिसको भी आ गया है तो इसको कर लो नोट कर लो, पॉज करके कर लो इसको। चलो बच्चों अब अपना अब ये मैं सोचना एकदम कैसे गायब हो गया, मैंने पॉज करके स्क्रब किया था, ठीक है, ऐसा आगे और भी आपको कहीं बात दिखेगा ऐसा, तो ऐसा मतलब गबरा मत जाना, जादू कहाँ से गया, जादू का तो कुछ ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करें, तो चैप्टर नंबर है 8 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एंड दूरी, तो चैप्टर अपने स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ टर्म के बारे में देख लेते अपन। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर जैसे कि एक अपन बनाते यहाँ पर एक तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ हो सकता है देखो कई सारे टर्म यूज होंगे, एक तो कह सकता है इसको बोल सकता है ट्री बोल सकता है वॉल बोल सकता है यानी जो पेड़ बोल सकता है दीवार बोल सकता है टावर बोल सकता है, ठीक है, कोई मैन को भी बोल सकता है मैन या ह्यूमन वगैरह बोल सकता है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग वगैरह बोल सकता है ना बिल्डिंग वगैरह, तो एक तो होगी ऐसी बिल्कुल खड़ी वर्टिकल लाइन, क्या वर्टिकल लाइन इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी के अंदर से, और इसके अलावा हाँ ऊर्ध्वाधर बोलते हैं जो खड़ी जो लाइन होती है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, एक होती है नीचे वाली बेस वाली लाइन होगी बेस वाली लाइन, इसके लिए वो क्या यूज करेगा, तो जहां पर भी आपको देखो सुनो जहां पर ट्री वर्ड आ जाए समझ लेना कौन सी है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन की बात कर रहा, जहां पर वॉल आ जाए वॉल भी खड़ी होती है ना भाई वॉल पर ऐसे देखा क्या ऐसा होती है बोल नहीं खड़ी वाली कोई बोल रहते हैं तो इसको बोल के ऐसे यूज करोगे आप लोग, टावर भी खड़ा ही रहेगा तो खड़ी वाली लाइन भी आप टावर ही समझ सकते हो, मैन भी खड़ा रहेगा डेटा के उसके लेंगे नहीं अपन काम है उसको भी खड़ा बिल्डिंग वगैरह बोल दे तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, तो अगर ऐसे कुछ टर्म आए समझना उसकी बात कर याद होंगे। अब उसके बाद वो कहेगा कि बेस की दूरी होगी या फिर उसके बॉटम से यानी कि जो इसका जो नीचे वाला सबसे पॉइंट है ना
उससे लेकर दूरी तक ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में कहते हैं इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये क्षैतिज होगी। अब इसके बाद में देखो कुछ ना कुछ करवाएगा, आपको दिखाएगा कि वो यहां से यहां तक देखता है या फिर ऊपर से नीचे देखता है, ऐसे बोलेगा किसी एक पॉइंट पे बोलेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये वाला, ये जो एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ में, यानी जब वो नीचे से ऊपर देख रहा हो, है ना, नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा हो, तो ये वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? या तो लाइन ऑफ साइट बोल दो इसको, लाइन ऑफ साइट, या फिर क्या बोल दो, दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट यानी कि जो जहां से देख रहे हो, जो चीज देखी जा रही है ना, उसको बोलते लाइन ऑफ साइट। अब इस लाइन ऑफ साइट को या तो कह देगा सीधा लाइन ऑफ साइट वर्ड यूज कर लेगा, या फिर वो कहेगा उसको देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है, ऐसे बोलेगा। या फिर वो क्या कह सकता है आपको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो आपको कहेगा, या तो लैडर बोल सकता है, आपको कह सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी होती है ना हिंदी में, सीढ़ी बोलते हैं जो, अब सीढ़ी जैसे नहीं खड़ी तो सीढ़ी होती है, उधर ऐसे इंक्लाइन होती है, थोड़ी तिरछी होती है, तो इसको ऐसे सीढ़ी दे सकता है। या फिर कैसे बता सकता है कि भाई एक कोई प्लांट है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक कोई पेड़ है वो क्या हो गया, टूट गया, ट्री कोई टूट गया, तो टूटने के बाद ऐसे नीचे गिरता ना, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल सीधा हो जाएगा, नहीं थोड़ा अगर बीच में से टूटा था, टूटने के बाद ऐसे गिरेगा वो, तो इसको कह सकता है टूटा हुआ पार्ट हो सकता है प्लांट का, या फिर वो लेटर हो सकती है, ठीक है, दीवार वगैरह हो सकती है। तो ये इस चीज को इस चीज से रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा यहाँ पे, कौन बनाएगा, और ये जो क्षैतिज रेखा के साथ में, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कौन बनाता है, इसको बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर कोण के, सॉरी हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज हो रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो थीटा होगा इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं उन्नयन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण, है ना, कर लेगा लोग। अब एक बार ये होता है नीचे से, जब ये नीचे से ऊपर देगा, अब जरूरी थोड़ी ना इंसान नीचे बैठा रहे, कभी कभी ऊपर भी तो जा सकता है, जा सकता ना ऊपर, तो ऊपर जाएगा जैसे कि टावर के ऊपर चला गया, या फिर कोई बिल्डिंग के ऊपर चला गया, टेरिस पे चला गया, तो ऊपर से जब नीचे देखता है तो उस समय जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण, कर लोगे आप लोग? ठीक है, तो ये कुछ टर्म रखेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, आपको बस क्या करना है, बार 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 प्रैक्टिस करनी है ना, फिर कैसे बैठता है आपके दिमाग के अंदर बताऊं आपको। चलिए देखते हैं अपन लोग। एक तो अपने हिंदी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट भी है, वो क्या है, लाल बटा कक्का, शानदार, शुरू से मैं तो यही पढ़ते आता हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद देखो इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वालों के भी ये है, कोई क्या क्या बताता है, आप भी जो आपको देखो कंफर्टेबल लगे ना, जो ये नहीं कह रहा कि मेरा बताया वही करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे उसे करो आप लोग। ठीक है, मैंने जिसको ये सीखा है कि भी PBP यानी कि पाकिस्तान से नफरत तो होगी बहुत, हाँ चलो पाकिस्तान को भूखा प्यासा कर देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपना प्यारा सा हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटा काका, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो मतलब रात को भी है ना, कोई सो रहा है कोई हिंदी वाला बंदा, उसको जगा करके एकदम रात के 12 बजे बैठे भी मतलब वो कौन है, कोई बोलते हैं लाल बटा काका, वो तो नहीं, पर मैं तो बोल ही सकता हूँ, बेटा हुआ दिमाग में बोला, इतनी बात है बिल्कुल सिंपल भी है। देखो अब इनके टर्म को देख लो, मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, लंब, ए का मतलब क्या है, आधार, और इसका भी लंब हो गया, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण, और ये भी कर्ण और ये भी आधार, ट्राइंगल मतलब सब जानते हैं, चलो इंग्लिश में भी देख लो, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। ठीक है, देखो ट्राइंगल में चीजें जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो अब इनका मतलब क्या है, फॉर्मूले है ये कुछ, जैसे कि यहां पर बताता हूं आपको, ये वाला जो फॉर्मूला होगा P upon H किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, P upon H sin थीटा के लिए, है ना। तो अब मैं इसको क्या करूं, आपको अलग से इसको लिख के बता देता हूं आपको ऐसे, ताकि अब अपना क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्मूले भी स्टार्ट, फॉर्मूले भी रहेंगे स्टार्ट अपना। ठीक है ना, चलो ऊपर अलग से लिख लेंगे, कोई बात नहीं,
तो है, एक तो है पीबीपी और एक है हिंदुस्तान अलग अलग, लिख लो मैं इसका फॉर्मूला। तो ये वाला जो पहला वाला होता है ना, इसको लिखा जाता है बच्चों साइन थीटा। ये तो क्या होता है साइन थीटा। चलो यार यहाँ पे लिखता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। पी बी पी अपॉन एच एच हिंदुस्तान, ये तो हो गया जो साइन थीटा के लिए। ये किसके लिए हो गया, कोस थीटा के लिए। और ये किसके लिए हो गया, टेन थीटा के लिए। टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। हिंदी में लाल बटा कक्का, एल यही साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया, और ये टेन थीटा हो गया। टेन का उल्टा कोर थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे समझ में। आपके फॉर्मूला है साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, कोस थीटा मतलब बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। ज्यादा ही ऊपर वाले यूज होंगे इसमें, टेन थीटा ज्यादा यूज होगा, किसी ने बताया था मुझे टेन थीटा सर ज्यादा यूज होगा। मैं क्या बोले यार देखते हैं कौन ज्यादा यूज होता है। पहले स्टार्ट करें क्वेश्चन, देखो इतना मस्त मस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। आपने कुछ ना सभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बुक में ही क्वेश्चन नहीं आते। एक्सरसाइज है ना एट, मैंने देखा था पूरा उसके अंदर कि आपके उसमें कुछ एट चैप्टर में क्वेश्चन नहीं हो, जबकि आपके एग्जाम में पूछे हुए करें करते हैं। चलो तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सिंपल कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको पॉज करके मैं लिख देता हूँ, टाइम जाएगा नहीं तो आपका। तो बच्चों देखो कोई जादू वादू नहीं, एकदम कैसा आ गया जादू नहीं है। देखो पॉज करके किया था मैंने, तो क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, हिंदी वाले ऐसे घबराने मत कि सर ये आपको पूरा इंग्लिश बता रहा हूँ। देखो इफ द एलिवेशन एंगल ऑफ ए कैमरा सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो पहले कोशिश करना इस वीडियो यहीं पे पॉज करके खुद ट्राई करो, अगर नहीं होता है फिर मैं ट्राई फिर मेरा हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है कि एक कोई पोल है, या बना देता हूं एक पोल, ये पोल कोई पोल यानी खंबा, एक खंबा है, उस खंबे पे क्या लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा बच्चों याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना सीसीटीवी कैमरा वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी पूछे जा रहे हैं आपके 17 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, तो ये सीसीटीवी वाले कैमरा वाले क्वेश्चन जरूर पूछ के जाना, क्योंकि आपके इस चैप्टर में तो नहीं है एट वाले, लेकिन एक करते क्या आपको पता है एक चैप्टर है आपके एक अलग से दे रखा है कि ट्रैफिक वाला है ना, कि रोड सेफ्टी वाला, रोड सेफ्टी वाला है ना आपके चैप्टर, तो रोड सेफ्टी से क्या करता है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे दो क्वेश्चन आते हैं शायद आपके, तो उस दोनों में से एक क्वेश्चन क्या कर देता है इस चैप्टर से दे देता है, और इस चैप्टर से कौन सा देता है ये सीसीटीवी कैमरा वाले, तो सीसीटीवी कैमरा रोड पर लगे ही होते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बना के उस वाले टॉपिक में डाल देता है, तो क्वेश्चन आते हैं इसलिए उनको अच्छे से करके जाना सीसीटीवी कैमरा वाले। कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक पोल है, इस पोल पे जो एक कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन्नयन कोण कहां से, जो इसका बेस है ना इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर पॉइंट पे है, कोई पॉइंट है जहां से इसका जो उन्नयन कोण है ना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको कह रहा है कि बताइए इसकी हाइट क्या होगी, है ना। देखो आपको जितने फॉर्मूला लगाएगा ना, जैसे कोई भी फॉर्मूला जिसमें ये लगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। ठीक है, ये होगी अपन को तीन चीजें अपने फॉर्मूले के अंदर है, और अपन को मालूम है कि तीन चीजों में से अगर कोई भी दो चीजें अगर आपको मिल जाती है ना बच्चों, तो आप उस क्वेश्चन का तीसरी चीज का आंसर निकाल सकते हो, यानी कि तीन चीजों में से कोई भी दो चीज चाहिए आंसर निकालने के लिए, यानी तीसरी चीज निकालने के लिए, तो क्या आपको तीन में से दो चीजें दे रखी है क्या। पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि फॉर्मूले कई सारे हैं, साइन कोस टेन कोट से कोसेक फॉर्मूले तो सिक्स है, तो क्या सिक्स का अपन काम में लेंगे, नहीं। अपन को ये देखना है कि आपको दे क्या रखा है, आपको पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है ये आपके देखो। अब इसमें भी ध्यान रखना बेस जरूरी नहीं कि नीचे है तो ये बेस ही होगा और ये खड़ा है तो परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
आपको जो ध्यान रखना है एंगल का ध्यान रखना, ये एंगल ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा आधार लेना है और कौन सा आपको लंब लेना है। कौन की डिसाइड करेगा? ये एंगल। कौन कौन डिसाइड करता है कौन सा बेस लोगे कौन सा परपेंडिकुलर? तो देखो एंगल के जो साथ वाली जो लाइन होती है ना, एंगल के कोण के साथ वाली लाइन, उसको तो बोलते हो आप बेस यानी आधार। और उसके सामने वाली, नीचे वाले से नहीं समझाए तो सामने देखो, कोण के जो सामने वाली जो लाइन होगी ना उसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे। इसे का ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे। इसे का ध्यान रखना आप, ठीक है? जरूरी नहीं कि नीचे है तो बेस ही हुआ, ऊपर ये है तो परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं। अगर मैं एंगल ये ना लेके अगर ये ले लू, अगर एंगल में ये ले लेता हूं तो इस केस में ये तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, अब हमको रटू तोता नहीं बनना अपन को। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। अब पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो आपको दे रखा है बी दे रखा है, आपको पी आपको निकालना है और एंगल भी दे रखा है। तो आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें बी और पी हो, और बी और पी वाला फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा है, ये बी और पी यानी कि आधार और लंब वाला फॉर्मूला देखना। तो आधार और लंब वाला कौन सा, देखो आधार लंब ये है ना, तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा वाला लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और ऐसे भी नीचे वाले यार बी भी होना तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ऊपर वाले से काम हो जाएगा, अपन उनको उल्टा कर लेंगे और ठीक है। देखो तो टेन थीटा, थीटा का मान आपको दे रखा है, यस ऑफ कोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 60 दे रखा है। कौन पी का मान दे रखा है, ये तो नहीं दे रखा मुझे जी, अपन को निकालना है। बी का मान दे रखा है, यस कितना दे रखा है 20। टेन 60 का मान आगे वापस टेबल, अपनी टेबल नहीं देखी हो तो जरूर देखना आप लोग, पहला वर्ष फर्स्ट चैप्टर था अपना, फर्स्ट था क्या अपना, हाँ साइज फर्स्ट था क्या, सेवन पॉइंट चैप्टर था साइज, हाँ सेवन पॉइंट वन में था क्या, नहीं सेवन पॉइंट वन में नहीं था, सिक्स वाले चैप्टर में। तो वहां पे जो टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों, वो टेबल मैंने बनाना सिखाया था, आप जरूर जाके पहले टेबल सीखो, नहीं तो आपको कोई रटने वाला सीन आएगा। तो टेन की वैल्यू, तो टेन की वैल्यू आपको पता है, टेन थीटा में अगर टेन जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट या जीरो होती है। टेन अगर 30 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और टेन 45 की क्या होती है, 1 होती है। टेन 60 की होती है, √3 होती है। और टेन 90 की होती है बच्चों, इनफाइनाइट होती है। कहो ये सर आपको तो याद है, याद नहीं है प्रैक्टिस है, इसलिए दिमाग में फिट है, आपके भी फिट हो सकती है। ठीक है देखो आगे, तो वैल्यू रहते हैं टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। चलो देखो बराबर √3 पी अपॉन 20, और पी की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में तो अपॉन आ जाती है, और अपॉन में तो मल्टीप्लाई में जाती है, तो 20 क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा √3 से, कर ले। चलो करते हैं, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो 20√3 अभी किसमें ले रहे हो आप लोग, यूनिट लगाना जरूरी है, डिस्टेंस आना ही है। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ऐसे तो मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, माइक्रोमीटर होती है, कई सारी यूनिट होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो वाली यूनिट नहीं था, आपको क्या दे रखा है, मीटर दे रखा। तो आपके मीटर आप यहां तक करते हो बच्चों तब भी आपका आंसर सही है। अगर आपको और सोल्व करना है तो ज्यादा ज्यादा आप क्या और सोल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू लिख सकते हो आपको, और √3 की वैल्यू आपको तभी ही लिखनी है जब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अक्सर क्वेश्चन के अंदर √3 की या √2 की इनकी वैल्यू दे रखी होती है, अगर दे रखी है तभी पुट करना है, नहीं दे रखी है तो आपको पुट नहीं करना। ठीक है तो चले अपन, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका, और ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये 2018 के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन कर लोगे, चलो नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, जादू दिखाता हूँ, देखो आपको देखा जादू गायब हो गया एकदम, देखो आगे। अब एक क्वेश्चन है बच्चों आपकी बुक का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि इतना टाइम है नहीं। देखो तो क्वेश्चन है बुक का है आपका, एक्सरसाइज का है, 8th का भी जो आगे वाला, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आप अपनी बुक खोलो उसमें देखो। तो मैं सीधा क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो ले रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ मैं आपको उसमें क्या दे रहा है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक कोई प्लांट है, ट्री है, ऐसे तो बच्चों ये प्लांट जो होता है, अब प्लांट अपना ऐसे लेते हैं खजूर का लेते हैं, ठीक है तो खजूर का प्लांट ले ले अपन, चलो ले लेते हैं अपन। तो ये बच्चों कौन सा प्लांट है, खजूर का प्लांट, सही बना, चलो सही बना के दिखाएंगे, ठीक
ठीक है। तो ये खजूर का प्लांट है सर, और खजूर के प्लांट पे यहाँ पे जो क्या था, चलो उसका इसकी जो पत्तियां हैं लीव्स है वो क्या होगी, चलो इसकी। अब क्या होता है, जोर से तेजी से आंधी आती है और ये क्या करता है, टूट जाता है। अब ऐसा नहीं पूरा उखड़ के गिर गया, ऐसा नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, बीच में से क्या हो रहा है, ब्रेक हो गया। और जैसे ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद में कैसे आएगा, साइड में गिरा तो ये नीचे जाके गिर गया, ठीक है, ये साइड में गिरी। अब जैसे साइड में गिरता है तो अब आपको क्वेश्चन में क्या देता है, क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, जैसे नीचे गिरता है तो गिरने के बाद में क्या करता है, वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, किससे, जो नीचे की उसकी होती है लेन, उससे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री कोण बनाता है। और इसके बाद आगे क्या कहता है, और ये कहता है कि जिस जगह ये टच करता है, जिस जगह ये टच करता है उस टच की हुई जगह से, और इसका जो बेस होता है स्प्रिंग का, उसकी जो दूरी होती है बीच की वो कितनी होती है बच्चों, 10 मीटर होती है, कितनी होती है, 10 मीटर होता है, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर। तो अब आपको क्या करनी है, इस प्लांट की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये तो मैंने ऐसे लिया, अगर आप इसको सही से बनाना हो ट्रायंगल की शेप में तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी देर की, 10 मीटर, और ये एंगल कितना दिया इसने, 60 डिग्री 60 डिग्री। और अब आपको कह रहा है प्लांट की हाइट, कि जो प्लांट की जो ओरिजिनल हाइट है वो कितनी है। तो क्या अपना जो प्लांट है ओरिजिनली इतना ही था क्या, इतना ही है क्या ओरिजिनल में, ये तो आपने ब्रेक टूटने के बाद ओरिजिनल में कितना होगा, ये भी होगा ये भी होगा, देखो दोस्तों आप खड़ा करोगे वही तो प्लांट की हाइट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, आपको क्वेश्चन सुनना है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है कि आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो करें स्टार्ट, करें ए बी सी, ये एंगल ले 60, ये दे रखा है आपको आधार यानी कि डी दे रखा है, आपको क्या चाहिए, पी चाहिए। तो P निकालने के लिए ऐसा प्रॉब्लम देखा जैसे P आए B आए P और B आए, और किसी ने मुझे सही कहा था tan थीटा का ज्यादा यूज होगा, तो देखो tan थीटा का यूज हो रहा है। तो tan थीटा बराबर हमको मालूम है क्या होता है बच्चों, P अपॉन B होता है, ये P अपॉन B हो गया, और थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है, थीटा यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, और P की वैल्यू दे रखी है कि आपको पता है, निकालनी है अपन को, निकालनी रखती अपॉन, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये 10 लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से देखना 10 60 की वैल्यू थी √3, और इधर है B अपॉन 10, और 10 पे तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 10 √3, ठीक है ना, और ये क्या जाएगी मीटर दे रखा है आपको, ठीक है मीटर थी अपन मीटर लिख दिया। अब इसके बाद में आगे देखो आप लोग, अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी अपन, पर ध्यान रखना आपको कि √3 की वैल्यू पर अपन अभी नहीं रखेंगे, अभी नहीं रखनी आपको, क्यों नहीं रखना है अपन, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी आपकी वापस यूज करनी है, इसमें एड करने के लिए यूज करनी है ना, हाइपरलेशन इसमें दोनों को जोड़ोगे तो वापस यूज करनी पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू को पुट करके आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना अपन, बिल्कुल इजी एंड सिंपल बनाना आपको, ठीक है। मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि आपको अगर कोई वैल्यू वापस यूज करनी होती है तो आप ज्यादा उसमें काटा किसी मत किया करो, बिल्कुल जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल ही उसको रखा करो। तो अपन भी इसको यहीं पे छोड़ेंगे अभी, अब अपन को हाइपोटेनस भी चाहिए यानी कि आपको कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण तो अपन को ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें बी और एच हो, यानी कि हिंदी में आधार और कर्ण, तो ऐसा बोला देखो जिसमें ए और के आ रहा हो, ए और के आ रहा है, इंग्लिश में देखो पी और बी और एच किस में आ रहा है, देखो बी और एच इसमें, यानी कॉस थीटा में आ रहा है जो भैया जी। तो चलिए कॉस थीटा लगा देते हैं, चलो लगा दो, कहां पर लगाते हैं, बोर्ड पर लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, क्या थीटा आपको दे रखा गया, यस कॉस दे रखा है, कॉस थीटा आपको 60 दे रखा है, ठीक, और बी की वैल्यू दे रखी है आपको, यस बी की दे रखी है 10, चलिए 10 लिख देते हैं, H की वैल्यू जब निकालनी है अपन को तो H को H रखो,
अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल से देखना, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 हाफ होती है, और tan tan को एजिटी रखो और एस ये एस की वैल्यू चाहिए, यानी क्या करेंगे हम एस को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एस आ जाएगा इधर, जिसकी भी वैल्यू चाहिए होती है उसको अपन क्या करते हैं लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी लेफ्ट साइड में जो भी हो उसको अपन दूसरी साइड भेज देते हैं। तो एस तो इधर आ गया, लेकिन ये और टू भी तो है अपन ने, तो टू को क्या करेंगे उधर आगे दिखा देंगे, तो दिखा देते उधर दिखा देते एच को वन से मल्टीप्लाई करो बच्चों, एच और टेन को टू से करेंगे कितना आ जाएंगे 2000, 2000 आ जाएगा क्या नहीं आएगा, 2000 थोड़ी ना आएगा 20 आएगा, हो गया पी भी आ गया एच भी आ गया, तो क्यों ना अपन इसको सोल्व कर ले, एड कर ले, अपन एड ही करनी है, तो हाइट हो तो जो पौधा है जो पेड़ है उस पेड़ की हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई के लिए दोनों को जोड़ ले अपन, तो अपन लिख देते हाइट ऑफ दी ट्री, देखते हैं प्लांट की, अभी आप लिख सकते हैं हिंदी में पेड़ की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ दी हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 10√3 प्लस एच के भी कितने 20, क्या आप यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन होगी तो अंदर क्या आएगा √3, और 10 का 20 में डिवाइड करोगे कितना देगा 2, तो अगर √3 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 10√3, सही है नहीं है, कभी ऐसा जुड़ता नहीं है, अगर कभी भी रूट के अंदर वैल्यू हो और इधर आपके ऐसे नेचुरल नंबर हो प्राकृतिक नंबर, तो कभी ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप इसको, गलत होगा बिल्कुल, अगर यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई होता तब आप ऐसे कर सकते थे, अगर मैं इससे लिखा इसका मतलब समझ लो कि दोनों को मैंने गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ पर गुणा करिए आपको जोड़ना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा तो फिर सर क्या करेंगे यहीं पर छोड़ दे, क्या नहीं छोड़ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, और √3 की वैल्यू दे रखी है शायद 1.732 होगी, 1.732 आपको क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, √3 की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 1.732, तो वैल्यू पुट कर दो 1.732 प्लस 2 जोड़ ले, 1 में 2 को जोड़ लो, अभी इतना तो जोड़ना आपको आता ही होगा, ये जोड़ना मैं नहीं सिखा सकता आपको, 2.732 नहीं 2 क्या 3 आएगा, मैंने गलती कर दी, क्योंकि 2 ओवर क्या 3, चलो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग कर ले, 10 को ऐसे तो सीधा हो जाएगा 30 आ जाएगा क्या 37.32 आ जाएगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से हटाता हूँ और नीचे कितने जीरो लगा देता हूँ 3 जीरो, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, 3 जीरो काट दिया, अब ये नीचे कितने जीरो बचे 2 जीरो, दो पहले जीरो आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 37.32 क्या आएगा यहाँ पे, काका जी आएंगे, पापा जी आएंगे, कौन आएंगे यहाँ पे, कोई नहीं आएंगे यहाँ पे, मीटर आएगा, और यही तो आपको चाहिए था, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व क्या करो सभी नोट करो इसको, देखो बच्चों अभी एक न्यू क्वेश्चन है, तो इस न्यू क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक और ये क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बच्चों 2018 में ऐसे सॉरी 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2018 में भी आया था ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, तो देखो ये जो सीसीटीवी कैमरा का क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, तो ध्यान रखो इंग्लिश में तो दिख रहा होगा साहब हिंदी में भी देखो, तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, बाकी हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा, ऐसे और भी इतने मजेदार वाले क्वेश्चन है जो आपको करने जरूरत है, बहुत जरूरत है आपको, अगर आप पूरे 8 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करके चले गए, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो बताओ आपके तो गए 3-4 नंबर आपके तो गए ना आपके, तो फिर आपको पूरा चैप्टर किया हुआ कोई मतलब भी नहीं निकला, तो ऐसे में जरूरी है आपको सारे टाइप के क्वेश्चन को आना जरूरी है, हर टाइप के क्वेश्चन को, तो उनमें से एक टाइप ये है और भी आ रहे हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो मैं आपको करवाऊंगा, तो अभी आपको क्या करना है इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है कोशिश करना, नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा, तो आज के लिए इतना ही करें, तो ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बताओ उनको, क्योंकि वो इस चीज से नहीं जानते, अगर आप खुद को देख लेना आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है,
नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर कोई क्वेश्चन और हो जो आपको नहीं आ रहे हो तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।